Alright, so hey guys, once again, welcome back to another amazing video of Road Rash Rishabh, and here is the 2023 Bajaj Pulsar NS125 and Bajaj Pulsar 125. मैंने दोनों का एक सेपरेट रिव्यू किया, अगर रिव्यू चेकआउट करना है तो आई बटन में लिंक दोनों की देखने को मिल जाएगी। दोनों ही E20 कंपेटेबल हैं, OBD2 इक्विप्ड हैं, और यहीं पे देखें तो इसके ग्राफिक चेंज कर दिए गए। मैंने एक डिटेल रिव्यू उसके बारे में किया, अगर रिव्यू चेकआउट करना है तो आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगी। एज ऑब्वियस जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 4 कलर देखने को मिलते हैं, ग्रे, ऑरेंज, रेड और ब्लू, और यहीं पे आपको 3 कलर कुछ देखने को मिल जाते हैं जो कि हम लोग के 3 कलर यहाँ पे, एक ब्लैक और रेड है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपको येलो सिल्वर और एक ब्लैक सिल्वर देखने को मिलता है। तो कुछ 3 कलर इसमें और 4 कलर इसमें देखने को मिल जाते हैं। 124 cc's, 11 hp, 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दोनों ही में आपको देखने को मिलता है। वैसे इसका 10.8 है, वैसे हम लोग 11 मान लेते हैं। एंड यहीं पे E20 कंपेटिबल है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एंड दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एट लास्ट प्राइस, और ये भी बताएंगे कौन सी आपको लेनी चाहिए। बाकी हम लोग फटाफट स्पेसिफिकेशन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, तो क्या क्या आपको स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं पे जो स्पेसिफिकेशन है इस मोटरसाइकिल के जो कि हम लोगों ने बताया स्टार्टिंग में, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। बाकी आपको टायर साइज़ भी दोनों का सेम ही देखने को मिलता है, 80x100 इज़ इन फ्रंट एंड 100x90 एट द रियर एट ऑफ बोथ। और यहीं पे हम लोग बात करें तो ट्यूबलेस देखने को मिलता है, रेडियल दोनों में आपको नहीं देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखते हैं को मिलते हैं, और इधर रियर साइड आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और इधर आपको मोनो शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। यहीं पे हम लोग बात करें तो हगर आपको कुछ हिसाब का देखने को मिलता है, इसका हगर कुछ हिसाब का देखने को मिलता है। एंड यहीं पे बात करें तो मीटर भी काफ़ी चेंज है। बाकी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है, बट पैटर्न दोनों का ही अलग है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे। एंड यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं माइलेज के ऊपर, तो 45 से 50 किलोमीटर तक का माइलेज दोनों ही क्लेम कर देती हैं ये मोटरसाइकिल्स, सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड दोनों ही में आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे हम लोग बात करें तो इसका जो एलॉय है और डिस्क है वो पल्सर 150 न्यू वाली जो आई है उससे उठा के इसमें रख दिया गया, बाकी ये प्रीवियस टू न्यू वही चल रही है जैसा कि पहले चलती आ रही है। बाकी बस इसमें OBD2 और E20 कंपेटिबल आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड दोनों ही के में है जैसा कि मैंने बोला। बाकी आपको दोनों ही फ्यूल इंजेक्टेड देखने को मिल जाएंगी, ये भी फ्यूल इंजेक्टेड है और ये भी फ्यूल इंजेक्टेड है। यहीं पे हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलती है, इस वाले वेरिएंट में आपको स्प्लिट सीट नहीं देखने को मिलती, आपको कार्बन फाइबर वाले वेरिएंट में स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। मैंने नियॉन इसलिए उठाई क्योंकि नियॉन के ग्राफ के पूरे चेंज कर दिए गए हैं अगर देखें यहाँ पे हम लोग। बाकी आपको एग्जॉस्ट कुछ हिसाब का देखने को मिलता है, बाकी इसमें आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है इधर साइड राइट। 170 mm की डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, और यहीं पे अगर हम लोग बात करें इसमें तो यहाँ पे आपको 240 mm की डिस्क देखने को मिलती है। बाकी ड्रम आपको 130 mm का ही देखने को मिल जाता है दोनों में ही। बाकी सारी गार्ड कुछ आपका देखने को मिलता है, लेडीज़ फुटरेस्ट कुछ आपका देखने को मिल जाता है, और यहीं पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ ही सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखें ग्रैबल कुछ हिसाब की है और इसकी ग्रैबल कुछ हिसाब की है। यहीं पे हम लोग बात करें 790 mm की सीट हाइट इसकी और 805 mm की सीट हाइट इसकी देखने को मिलती है। 144 kg का कव वेट इसका है और 140 kg का कव वेट इसका है। यहीं पे आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है और इसमें आपको 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो इतना ही पूरा स्पेसिफिकेशन था अगर हम लोग बात करें। बाकी 5-speed की मैनुअल गियरबॉक्स दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन की फिनिश देखने को मिल जाती है इधर साइड, और इधर साइड आपको ग्लॉसी की फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड बात करें तो ABS दोनों ही में नहीं देखने को मिलता है, वेल फ्यूचर में मे भी ABS देखने को मिल जाए। यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग और इधर साइड पल्सर की ब्रांडिंग, इधर साइड पल्सर की ब्रांडिंग दिखा, तो नीचे साइड आपको आउटलाइन में कुछ आपका देखने को मिल जाता है, और पूरी दोनों मोटरसाइकिल कुछ साफ किए हैं। बाकी आपको मीटर दोनों ही का बराबर देखने को मिलता है, जितना लोडेड ये है उतना लोडेड ये, बस यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है अगर हम लोग देखें तो, जैसा कि आप इधर से देख सकते हो। तो फ्यूल गेज आपको इधर साइड देखने को मिलता है, ओडोमीटर यहाँ पे, स्पीडोमीटर यहाँ, टैकोमीटर यहाँ पे, लो बैटरी इंडिकेशन या इंजन चेकलाइट वार्निंग या बजाज का इंडिकेशन या टर्न इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, और यहाँ पे हाई बीमिट का इंडिकेशन, और यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है, यहाँ पे लिमिट की लाइट, यहाँ पे बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीडो, यहाँ पे आपको ओडोमीटर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिपन मीटर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पे सिलेक्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी, दैट्स इट, और यहाँ पे टाइम, इतना ही कुछ देखने को मिलता है। और थोड़ा सा टिपिकल है देखने में, यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर देखने को मिल जाएगा, इस आपका पूरा मीटर है। वैसे मैंने दोनों ही मीटर के ऊपर डिटेल रिव्यू किया है, वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जो सेपरेट रिव्यूज़ मैंने किए उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी लेग गार्ड कुछ आपका देखने को मिलता है, बाकी इसका लेग गार्ड कुछ आपका देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो क्या होने वाला है इस मोटरसाइकिल का प्राइस, तो यहाँ पे आपको 99,800 कुछ की ऑन रोड देखने को मिलती है, यहीं पे आपको मतलब 29,000 ऑन रोड की देखने को मिल जाती है। तो इतना ही दोनों में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल ऑफिस यूज़ वाले हो या अगर आप डेली कम्यूट करते हो
तो उसके लिए मोटरसाइकिल बेस्ट है। वैसे ही मोटरसाइकिल ये भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और बजट आपका इतने तक का है तो आपके लिए भी मोटरसाइकिल बेस्ट रहेगी। बाकी अगर देखा जाए तो डेली यूज़ के लिए दोनों ही मोटरसाइकिल बेस्ट हैं, बट आपके यूज़ के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से ये दोनों इस आपकी बैलेंस करेंगे 99,000 और 1,29,000। ऑन रोड की प्राइस मैं बता रहा हूँ, एक शोरूम की प्राइस कुछ नहीं। बाकी अगर आपको ये दोनों ही मोटरसाइकिल लेनी है तो आप इस जगह शोरूम पे आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सोसाइटी मोटर्स कार को। शोरूम के सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। बाकी एक बार साउंड हम लोग सुना देते हैं। तो इसके कुछ आपकी साउंड है एंड यहीं पे हम लोग इसकी भी साउंड एक बार सुना देते हैं। तो 1,29,000 का जो प्राइस टैग है उसमें फ़र्क तो समझ में आएगा ही साउंड में। तो मुझे इसकी साउंड ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगी। बाकी इसकी भी साउंड ऐसा नहीं कोई बेकार है, इसमें रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी दोनों ही में आपको काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये नए मॉडल्स हैं तो आपको रिफाइनमेंट बढ़िया देखने को इसमें मिल जाएगी। बाकी हम लोग एंड करते हैं यहाँ से रिव्यू। तो इतना ही पूरा रिव्यू था। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है, पूरा रिव्यू मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है इन दोनों वीडियो का, और आई बटन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी थी एज़ यूजुअल। तो यहीं पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं इन दोनों की। तो कंपैरिजन कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बाकी हम लोग वीडियो ऐसे एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फॉर मी, से वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।